channel this side Priya Singh. So guys, as you all know, festive season and wedding season is around the corner and उसी से related आज की video होने वाली है. So आज के video में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ my top 10 hacks for festive and wedding season to look more beautiful, to look more attractive in affordable and budget friendly way. So guys, इस video में मैं ऐसे बहुत सारी tips and tricks बताने वाली हूँ जो आप इस festive season में follow up कर लोगे ना तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं and एक बहुत ही कम budget में आप बहुत ही aesthetic दिख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा beautiful, बहुत ही ज़्यादा इस दिवाली सीजन को इन्जॉय करोगे, इस पूरे फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन को इन्जॉय करने वाले हो. सो गाइज, वीडियो का इंट्रो बिना लंबा करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो. हैक नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंट ब्रा. आई एम प्रिटी श्योर इस फेस्टिव सीजन आप या तो स्लीवलेस या फिर तो बैकलेस वेयर करने का सोच रहे हो, बट इसके ऊपर ब्रा कौन सी वेयर करें? ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स वाली ब्रा. सो ये ना आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन. इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड प्लास्टिक के होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी एडजस्टेबल होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप बैकलेस ब्लाउज पहन रहे हो, बैकलेस ड्रेस पहन रहे हो, तो आप ईजिली इसे पहन सकते हो, इस काइंड ऑफ ब्रा में इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड मैं यहाँ पे अपना शरारा सेट पहन लिया है एंड एज यू कैन सी कि ये जो ट्रांसपेरेंट बैंड्स वाली ब्रा है वो बिल्कुल भी वल्गर नहीं लग रही है पहनने के बाद एंड मेरी ड्रेस का शो भी काफ़ी अच्छा रहा है. हैक नंबर 2 इज़ ग्लोई स्किन बेस. सो इस टाइम पे अगर आपकी स्किन में कोई भी ग्लो नहीं है एंड इंस्टेंट ग्लो चाहिए ना, तो क्विकली से आप अपना कोई भी पाउडर हाइलाइटर ले लीजिए एंड एक ब्रश की हेल्प से आपको इसे हाई एंड्स पे लगाना है, जैसे कि मेरे नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, देन मेरे चीक्स एरिया पे. आप जहाँ जहाँ इसे लगा सकते हो ना वहाँ वहाँ ब्रश की हेल्प से हाईलाइट कर लीजिए. हाईलाइट करने के बाद आपको कोई भी अपना फाउंडेशन या फिर तो बीबी क्रीम इसके ऊपर सेट कर लेना है एंड जैसे ही आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जब डैप करने लग जाओगे ना, आप नोटिस करोगे जो आपने अंडर बीनीथ जो हाइलाइटर अप्लाई किया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो करेगा आपके स्किन में एंड ये ग्लो ना काफ़ी टाइम तक रहने वाला है. तो हाइलाइटर को आप पहले फाउंडेशन के पहले लगाओ तो ज़्यादा आपके स्किन में ग्लोई रहेगी. हैक नंबर 3 इज़ वाइट काजल शेडो. सो गाइज, आपके पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट हैं बट समझ में नहीं आ रहा है कौन सा आई मेकअप लुक क्रिएट करें. सो सबसे ईजी है, आप ना एक वाइट काजल में इन्वेस्ट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आता है एंड देन इसे एज अ आई लाइनर अप्लाई करना है. जैसे कि मैं शो कर रही हूँ ना स्क्रीन पे, वैसे ही आपको आई लाइनर की तरह अप्लाई कर लेना है. अगर यही चीज़ आपको काजल की तरह करना है तो आप अपने वाटर लाइन पर इस वाइट काजल को लगा लीजिए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ उसी वे में आपको ऐसे लगाना है एंड मेक श्योर कीजिएगा थोड़ा हल्का सा डार्क ही रखिएगा, लाइक एकदम प्रॉपर वाइट लाइन आ जानी चाहिए. आफ्टर दैट आप अपना कोई भी फेवरेट आई शेडो शेड ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे गोल्डन शेड ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे ड्रेस से मैचिंग होने वाला है. नाउ ब्रश की हेल्प से आपको उस गोल्डन शेड को अपने वाइट आई लाइनर के ऊपर अप्लाई करना है, वाइट काजल के ऊपर एंड जब आप इसे अप्लाई करोगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से पॉप आउट होके आएगा एंड आपका बहुत ही ईजी पीजी सा बिना एफर्ट किए हुए आई मेकअप रेडी है एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी क्रिएट हो जाता है. हैक नंबर 4 इज़ टेम्प्रेरी बिंदी. सो बिंदी ना आपके लुक को एक अलग ही लेवल पे लेके चली जाती है, बट बिंदी के साथ ना ये इशू आता है मेरा कि मैं बहुत ही छोटी बिंदी अप्लाई करना पसंद करती हूँ एंड ये बहुत ही जल्दी अप्लाई भी नहीं होती एंड अगर अप्लाई हो भी गई ना तो बहुत ही जल्दी गिर जाती है. तो सबसे बेस्ट है कि आप ना खुद का ही बिंदी क्रिएट कर लीजिए. इसके लिए आप कोई भी लिक्विड आईलाइनर ले सकते हो जिसका जो टिप हो वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक लगता है, बहुत ही प्रिटी लगता है एंड सबसे बेस्ट बात है मेकअप रिमूवर की हेल्प से ये रिमूव भी हो जाएगा एंड कोई भी काइंड ऑफ निशान भी नहीं छोड़ने वाला है. तो है ना ये मज़ेदार वाली एकदम हैक. हैक नंबर 5 इज स्टाइलिंग मांग टीका. तो गाइज, हम सबका मांग टीका ना कभी भी एक जगह पे स्टिल नहीं रहता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ना, इस काइंड ऑफ आप हेयर स्टाइल कर लीजिए, लाइक आगे का फ्रंट पोर्शन के थोड़े हेयर्स लेके आपको हल्का सा क्लच कर लेना है. जैसे आपने क्लच किया उसके बाद यहाँ पर आपको पतले वाले रबर लेना है जो कि आपको मार्केट में ईजिली ना 5-10 रुपये में मिल जाएगा, बहुत सारी क्वान्टिटी एंड मांग टीका के ना एकदम कॉर्नर पर आप इसे अच्छे से राउंड राउंड कर लीजिए 2 बार एंड आफ्टर दैट आपको इस रबर को जहाँ पर मैंने क्लच किया था उस पोर्शन के हेयर को वहाँ पर आपको अच्छे से बांध लेना है. बेसिकली आपको एक छोटी सी चोटी कर लेनी है सो दैट कि वो मांग टीका एक जगह स्टिल रहे एंड साथ ही साथ आपका एक पोनी वाला लुक आ जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है. हैक
हाफ नंबर सिक्स इज फेक गजरा स्टाइल। सो वेडिंग सीजन में, फेस्टिव सीजन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बहुत सारा काम होता है, तो वो ओपन हेयर स्टाइल तो नहीं क्रिएट कर सकते। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ना बन हेयर स्टाइल क्रिएट कर लीजिए, आप बन बना लीजिए, बिकॉज बन एक सबसे ज़्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लुक देता है। बन बनाने के बाद आप कोई भी ना अपना चोकर नेकलेस ले लीजिए। मेरे पास ये बहुत ही प्यारा सा चोकर नेकलेस था, इसे आपको अपने बन के ऊपर रखना है एंड देन जो नॉट बांधना होता है ना आप उसे नॉट बांध लीजिए एंड जो एक्स्ट्रा इसकी डोरी रह जाती है ना इसे आपको अपने बन के आगे पीछे लपेट लेना है, एकदम राउंड राउंड लपेट ले लीजिए। एंड कवर अप करने के बाद आप इसे पिन की हेल्प से वो कर सकते हो एंड यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा गजरा स्टाइल लग रहा है, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड ये काफ़ी टाइम तक स्टे भी करके रखेगा एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लग। हैक 7 इज ईजी फेस्टिव हेयर स्टाइल। सो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा हेयर स्टाइल करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी पीजी हो, तो सबसे बेस्ट है कि ब्रेड्स बना लो। तो ब्रेड्स आपको पूरे हेयर की नहीं बनानी है, आपको एक पतला सा हेयर स्ट्रैंड्स लेना है फ्रंट का, जैसे कि मेरी दी ने यहाँ पे लिया है एंड देन आपको इसे ब्रेडिंग कर लेनी है। आपको दोनों साइड करना है जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, बिकॉज ये सबसे ईजीएस्ट वे है क्योंकि फ्रंट की ब्रेड्स ऐसी होती है ना जो हर कोई बना लेता है। मैं तो स्क्रीन पर नहीं देख के बना पा रही थी तो दीदी ने मेरी हेल्प कर दी। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, वरना खुद से भी बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हो एंड इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी मेरे अपनी दी की हेल्प से ब्रेड्स बनवा लूँगी एंड नाउ यू कैन सी कि ये लुक कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है एंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आप इसे किसी भी काइंड ऑफ ड्रेस पे, लहंगा पे, शरारा पे या फिर तो अपने कोई भी हैवी सूट्स पे कैरी कर सकते हो, या आपके पूरे लुक को ना एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाएगा एंड ब्रेड्स आपके लुक को अच्छा कर देगा। हैक नंबर 8 इज़ कैरिंग दुपट्टा। सो गाइज आज मैं ये शरारा सेट पहन रही हूँ एंड इसके साथ है ये प्रिटी सा नेट का दुपट्टा। सो अगर आप कोई भी आउटफिट वेयर कर रहे हो तो उसके साथ दुपट्टा तो मेक श्योर होता ही होता है या फिर तो साड़ी का पल्लू, बट ना वो नेट का होने की वजह से ना बार बार गिरने लगता है जिसकी वजह से हम सेफ्टी पिन भी यूज़ नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप डबल साइडेड टेप ले लीजिए जो कि सबसे बेस्ट होता है आपके दुपट्टे को एक जगह टिका रहने के लिए। उसके बाद इस डबल साइडेड टेप को आप अपनी ड्रेस पे या फिर तो आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कर लीजिए एंड स्किन पे अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली इस दुपट्टे को इस पे स्टिक कर लेना है। जैसे ही आप इस दुपट्टे को स्टिक करोगे ना ये ना एकदम अच्छी तरीके से मजबूती से वहाँ पर स्टिक हो जाएगा एंड आप जितना भी डांस कर लो, कितना भी ज़्यादा घूम लो ना ये ना डबल साइडेड टेप जल्दी निकलता नहीं है। अगर स्किन पे लगाओगे तो थोड़ा बहुत चांसेस है, बट डायरेक्ट कपड़े पे लगाओगे तो नहीं। हैक नंबर 9 इज स्टाइलिंग बैंगल्स। सो गाइस हमारा ओवरऑल लुक तो कंप्लीट हो गया बट हमारे हाथ काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहे हैं ना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने मम्मी के ना बैंगल्स का सेट ओपन कर लीजिए एंड इसके अंदर ना मिक्स मैचिंग वाले जो भी बैंगल्स मिले जो आपके आउटफिट से मैच कर रहे हैं ना आप उसे उठा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग वाइट कलर के चूड़ियाँ ले ली हैं, तो ये जो वाइट बैंगल्स है ना मैं इसे लाइक दो शेड में थी तो मैंने ना इसे मिक्स मैच कर लिया एंड नाउ इसी बैंगल्स को मैं वेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ और मेरे हाथ का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो ये ना साइज़ का इशू भी नहीं आया और मुझे एक्स्ट्रा कुछ परचेज करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो अगर आपके घर में मम्मी बैंगल्स पहनती है ना तो आप अपने आउटफिट का मैचिंग का ना कोई भी बैंगल्स ले लीजिए, कोई भी कंगन चूड़ा ले लीजिए एंड आप उसे अपने आउटफिट पर मैच कर लीजिए एंड ट्रस्ट मी बैंगल्स आपके पूरे लुक को ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है ईजिली। हैक नंबर 10 इज वेज सैंडल्स। सो गाइस हम सब लोग ऐसी हैवी ड्रेसेस पहनते हैं बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना उन ड्रेसेस में कि ये ना फ्लोर से इतना ज़्यादा टच होता है ना ऐसा लगता है कि हमारी ड्रेस ही पूरे फ्लोर का पोछा लगा देगी एंड इसकी वजह से हमारा जो नीचे की ड्रेस होती है ख़राब दिखती है एंड उतना अच्छा लुक नहीं आता है। तो सबसे बेस्ट है आप वेजेस में इन्वेस्ट कर लो। मैंने ना इसे रिसेंटली ऑफलाइन परचेस किया है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का। ट्रस्ट मी ये इतना सस्ता है और इतना ज़्यादा क्वालिटी इसकी सुपर्ब है, आप देख सकते हैं। ये इसे पहनने के बाद सबसे बेस्ट चीज ये होती है ना कि काफी ज्यादा ये कंफर्टेबल होती है एंड एक हाइट भी आ जाती है जिसकी वजह से ना आपका लहंगा शरारा, आपने कुछ भी साड़ी वेयर कर रखी होती है ना तो वो ना उसके चांसेस कम होते हैं फ्लोर के ऊपर टच करने से एंड इसकी वजह से आपकी ड्रेस भी खराब नहीं होती है एंड आपका लुक ओवरऑल बहुत ज्यादा कंप्लीट। आज की वीडियो आपको
आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगी हो। सो डू लेट मी नो आपका फेवरेट हैक कौन सा था, एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार अब तक क्या वेट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए इन दिस फेस्टिव सीजन। सो गाइज मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।